नीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है। सीबीआई ने पटना एम्स के 4 एमबीबीएस छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ये बड़ी कामयाबी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि हिरासत में लिए गए छात्रों पर पेपर को सॉल्व करने के आरोप में सीबीआई ने पकड़ा है। पटना एम्स में पकड़े गए छात्रों में थर्ड ईयर का छात्र चंदन सिंह है जो सिवान का रहने वाला है। दूसरा आरोपी छात्र है कुमार शानू जो पटना का रहने वाला है। तीसरा छात्र राहुल आनंद जो धनबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। चौथा छात्र करण जैन अररिया का रहने वाला है। तो एम्स डायरेक्टर ने कहा कि छात्र शामिल हुए तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। 4 ऐसे छात्र हैं जिन्हें पटना से पकड़ा गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। डायरेक्टर का यह भी कहना है कि हैरानी की बात है कि हमारे छात्र इसमें शामिल हैं। कल एक्चुअली हम एक हॉस्टल का राउंड ले रहे थे। मेरे साथ हमारे डीन एकेडमिक थे, मेरा ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी थे। हम स्टूडेंट के एक्चुअली हमारा जो एक प्रोग्राम होने वाला है काइजन, वो एनुअल फंक्शन होता है, उसका एक्चुअली अरेंजमेंट के लिए हम एक राउंड ले रहे थे। और हॉस्टल का भी जो कैफेटेरिया है उसका कैसे क्या सब खाना ठीक देते हैं कि नहीं, उसका राउंड ले रहे थे। उसी समय सीबीआई ने आके हमारे एक थर्ड ईयर स्टूडेंट को पकड़ के लेके गए हैं। उसके बाद फिर शाम को आए थे और 2 स्टूडेंट को लेके गए हैं। लेकिन इससे पहले उनका वरिष्ठ अधिकारी ने हमें इंटीमेशन दिए थे कि आके ये हमारे स्टूडेंट को कुछ इंटरोगेशन करेंगे। उसके बाद वो आके लेके गए हैं, 4 स्टूडेंट का नाम और उनका फोटो हमें दिए थे। उसके बाद हम इनको जितने कोऑपरेट हमारे तरफ से होगा हम किए हैं। ये आके स्टूडेंट को लेके गए हैं, 3 स्टूडेंट को, और एक स्टूडेंट खुद जाके इनको कल सरेंडर किया। और ये सब 4 स्टूडेंट सीबीआई के पास हैं। शशिभूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। शशिभूषण, अब ये तार एम्स तक पहुंच चुके हैं, वहां पर भी कुछ छात्र जिनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है और ये संख्या बढ़ भी रही है। बिल्कुल, देखिए चौंकाने वाली बात है अर्पिता, लेकिन सुबह भी मैं जब जुड़ा था लाइव में आपके साथ तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हमने ये बताया था कि रॉकी जो है उसको सॉल्वर के तौर पर नेटवर्क डेवलप करने के लिए सॉल्वर का जिम्मेदारी दी गई थी। और जो एम्स पटना के निदेशक हैं, कार्यकारी निदेशक हैं जीके पॉल जी, इस वक्त हम उनके साथ ही हैं और जीके पॉल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप लोगों के लिए भी कितना यह सरप्राइज करने वाली बात रही कि आपके ये स्टूडेंट जो हैं वो इस तरह के नेटवर्क में, सीबीआई ने इनको ट्रैक करने के लिए आपसे अप्रोच किया? हमारा एम्स पटना फैमिली पूरा शॉक में है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, फैकल्टी हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कम्युनिटी हैं, ये सब एक्चुअली इट इज़ बाई सरप्राइज। एक्चुअली नो, वी आर रियली इन शॉक। हमें एक्चुअली समझ में नहीं आया कि कैसे ये हुआ है। ये हमारे लिए एक दुख की बात है एक्चुअली। तो जब सीबीआई ने आप लोगों को अप्रोच किया तो सबसे पहले कैसे आपको बताया गया, इन्फॉर्मेशन कैसे दिया गया, कुछ इस बारे में बताइए। पहले सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमें व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजे। इन्होंने बोले कि डायरेक्टर साहब आप हम कॉन्टैक्ट करके हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके एक स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट का पिक्चर और उनका फ़ोन नंबर, उनका जो हॉस्टल का नंबर, ये सब एक्चुअली उनके पास था, ये हमारे पास भेज दिए। और इन्होंने बोला कि आप जरा हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हम उस समय एक मीटिंग में थे कल एक्चुअली छुट्टी था, फिर भी हमारा ऑफिस चल रहा था। उसके बाद हम इनको बोला कि हम मीटिंग के बाद आप कॉन्टैक्ट करेंगे। मीटिंग के बाद हम उनके जो कॉन्टैक्ट किए, इन्होंने बोले कि ऐसे एक जो नीट का जो पेपर लीक का जो स्कैम हुआ है, इसमें आपका एम्स पटना का एक स्टूडेंट है, उसका नाम एक्चुअली बोला चंदन सिंह, तो वो चंदन सिंह इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम इनको इंटरोगेट करेंगे। उसके बाद हम हॉस्टल राउंड ले रहे थे, स्टूडेंट्स का हॉस्टल मेस राउंड। उसी समय वो उनका जो इंस्पेक्टर वो इधर थे, वो आए और स्टूडेंट्स को लेके गए। उसके बाद उनका और एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमें कॉन्टैक्ट किए। उन्होंने बोला कि और भी 3 स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया है, आप ये 3 स्टूडेंट को हमें समर्पित दीजिए। तो उसके बाद एक्चुअली वो आए 6 बजे, हम कोऑर्डिनेट कर लिए, हमारा स्टूडेंट डीन एकेडमिक्स, हमारा ओएसडी और डीन स्टूडेंट अफेयर्स, हॉस्टल वार्डन, मैं सबको बुला लिया। ये आके इनको जितने कोऑपरेट हमारे तरफ से करना चाहिए हमने किए, और इसमें से 2 स्टूडेंट को लेके गए और एक स्टूडेंट उसी समय हॉस्टल में नहीं था, स्टूडेंट जाके इनको रिपोर्ट किया शाम को। कुल 4 स्टूडेंट आपके जो हैं वो सीबीआई पूछताछ के लिए उनको लेकर के गई है, जैसा आप बता रहे हैं। 4 स्टूडेंट को सीबीआई लेके गया है।
अच्छा सर, ये बताइए, ये जो स्टूडेंट जिनको जुड़े होने की बात कही जा रही है, इस तरह से जो सीबीआई जिनसे पूछताछ कर रही है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है? कैसे स्टूडेंट ये रहे हैं? चूंकि थर्ड ईयर के तीन स्टूडेंट हैं और एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट स्टूडेंट का है। ये स्टूडेंट तो जब आते हैं एम्स पटना एडमिशन लेते हैं, ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, बहुत मेरिटेरियस होते हैं। ये तो नेशनल लेवल में टॉप जो होते हैं, 100-200 रैंक में होते हैं, ये आते हैं एम्स पटना। तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। लेकिन ये हमारे लिए रियली सरप्राइज है, ये शॉकिंग है एक्चुअली। मैंने एंटायर एम्स पटना फैमिली में जो आपको बोल रहा था, मैं डॉक्टर्स, टीचर्स, फैकल्टी, ये सब एक्चुअली नो, मैंने दे आर इन शॉक एक्चुअली, हाउ एम्स पटना स्टूडेंट्स कैन बी इन्वॉल्व। सीबीआई तो उसको उनका इंटरोगेशन चल रहा है, उसके बाद सीबीआई का जो रिपोर्ट आएगा, हमें पता चल गया कि उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है, कितना डीप है इन्वॉल्वमेंट उनका है कि नहीं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमारे तरफ से हम क्या करेंगे। लेकिन जो पटना एम्स में स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको लेके एक सवाल है कि क्या उनको बाहर के लोग अप्रोच इजीली कर सकते हैं, इस तरह के जो माफिया नेटवर्क, मतलब कैसे संपर्क में आ जाते हैं स्टूडेंट? क्योंकि पढ़ाई तो बड़ा, एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत टफ होती है, बहुत समय मिलता नहीं है, तो ये सवाल भी जहन में आता है कि या तो पैसे का लालच हो या जो चीजें हो, तो कैसे ये कनेक्टिविटी हो, कैसे सकती है, आशंका आपको क्या लगती है? एम्स का जो पढ़ाई होता है तो पूरा अपने टॉप लेवल का अपने हमारा जो सिस्टम है, एग्जाम सिस्टम, टीचिंग सिस्टम, सिस्टमेटिक जो कोर्स करिकुलम है, बहुत टॉप है एम्स का जो करिकुलम। ये मैंने देश का बाकी सारे मेडिकल कॉलेज से भी बहुत बेहतर करिकुलम है। इसमें से बच्चों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, दे एक्चुअली स्टडी वेरी वेल एंड वेरी टफ, आवर सिस्टम इज वेरी टफ एक्चुअली। तो इसीलिए मुझे ये लगता है बाहर का जो आदमी इनको जो कांटेक्ट में आए हैं, ऐसे तो आने के लिए हमारा ऐसे कुछ नहीं है कि हम इनको बाहर के लोगों को कांटेक्ट करने के लिए मौका देते हैं। लेकिन ये तो एम्स का जो कैंपस है, बाहर से बहुत लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, पब्लिक आते हैं, अगर कोई आके इनको कांटेक्ट किए हैं ये तो हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बताऊँगा, पैसा का लालच हो सकता है, लेकिन एक्चुअली मैं तो एक्चुअली पर्सनली आई एम रियली शॉक्ड एक्चुअली हाउ माई स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। हम आपको ये बताएंगे कि ये जो न्यूज आया है, इसके बाद हम एक बेहतर काउंसलिंग स्टूडेंट्स के लिए रोकेंगे आपको। हमारा चलता है रेगुलरली। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, उससे पहले सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है, जो हम आपको बता रहे थे कि कैसे चार एम्स के स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया है। मास्टरमाइंड के करीब पहुंचने में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, एम्स कनेक्शन भी अब इसमें सामने आ गया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई शुरू हुई है, दरअसल एनडीए के नए हलफनामे को लेकर भी है, और सभी जो अर्जियां हैं उन्हें अब कंबाइन कर दिया गया है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रहा है। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, सुनवाई शुरू हो चुकी है, किस तरीके की दलीलें दी जा रही हैं? सुनवाई शुरू हो गई है, अभी ये दलीलें दी जा रही हैं कि कुछ लोगों ने, कुछ याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि एनटीए का रिप्लाई उन्हें कल ही मिला है, लिहाजा उन्हें जवाब देने के लिए वक्त चाहिए, और कुछ ट्रांसफर पिटिशंस में भी रेस्पोंडेंट्स को, यानी जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है, उनको भी जवाब देने के लिए कुछ वक्त चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जो रिटर्न सबमिशन है वो दिए जा सकते हैं, सुनवाई अभी आगे चल रही है। के साथ ही संजय, हम सुबह भी बात कर रहे थे, ये जो नया हलफनामा है, क्योंकि शुरू में तो एनटीए ने पूरी तरीके से इसको डिनाई कर दिया कि कोई धांधली नहीं हुई है, अब हलफनामे में वो क्या कह रहे हैं, क्या इसमें भी वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से किया गया, कोई धांधली नहीं हुई? क्योंकि देश भर में इतने सारे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, हिरासत में लिए जा रहे हैं, इस फैक्ट को कैसे डिनाई कर रहा है एनटीए? इसे मुझे लगता है कि सीबीआई जिस रास्ते पर, जिस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर चल रही है, उसको देखते हुए तो लगता है कि उन्हें पेपर लीक करने के आरोपियों के साथ साथ एनटीए के साथ भी जूझना पड़ेगा। क्योंकि एनटीए ने अपने हलफनामे में जवाब में यह कहा है कि कोई ऐसा सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है और बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला लीकेज नहीं है, कहीं ऐसे छोटे मोटे लीकेज हुए हैं जिसकी लीकेज के जो आरोप हैं उसकी जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि लीक हुआ भी है या नहीं हुआ है या हवा में बातें की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला तो ऐसा लग रहा है कि
एनटीए और सरकार और सीबीआई इन सब अलग अलग दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार और एनटीए लगातार ये कह रही है कि ऐसा कोई लीकेज नहीं हुआ, सिस्टमेटिक फेलियर नहीं हुआ जिसकी वजह से पूरी परीक्षा की पवित्रता पर आंच आ सके। कई छोटी मोटी चीज़ें हुई हैं जिसे दुरुस्त किया जा रहा है। अब यही सारी दलीलें कोर्ट में भी दी जा रही हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट में सुनवाई फाइनल नतीजा क्या आता है, बीच का रास्ता कुछ निकलता है या फिर दोबारा परीक्षा की नौबत आती है। कोर्ट पहले भी पिछली सुनवाई में ये बता चुका है कि अगर परीक्षा की पवित्रता पर व्यापक रूप से आंच आने वाली होगी तो दोबारा भी परीक्षा का आदेश देने से कोर्ट नहीं हिचकेगा। लेकिन एनटीए का कहना है कि समग्र रूप से परीक्षा की पवित्रता पर किसी तरह की कोई आंच नहीं है और फिर से एग्जाम कराने की जो मांग है कुछ याचिकाकर्ताओं की, अगर इस पे अमल किया जाए तो 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए फिर से परीक्षा का आयोजन करना ये बहुत ही मुश्किल काम होगा और साथ ही देश के भविष्य यानी युवा पीढ़ी जो 25 लाख से ज्यादा लोगों ने इम्तहान दिए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।